हाँ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। और बहुत बढ़िया, कहीं का ही हालचाल आपका? हालचाल तो ठीक है, अब के थोड़ी बरसात भी हुई है, खेती का काम थोड़ा चल रहा है। अब के आशा है खेती ठीक ही होनी चाहिए। उस महीने मतलब खरीफ की फसल तो हुई नहीं, रबी की फसल ठीक होने की उम्मीद है। और वैसे सरकार ध्यान दे रही है, वैसे ओले पाले पड़े उनमें भी सरकार ध्यान देगी तो किसानों को राहत मिलेगी और किसान इससे थोड़ा उनको सक्षम होंगे। किसानों को खेती किसानी में अभी खर्चे बहुत होने लग गए, बुआई है, जुताई है, खाद बीज महंगे हैं, बिजली महंगी है, बिजली समय पे नहीं आती, पानी की भी शॉर्टेज है। तो ये बात तो है, खेती किसानी में मतलब इतना दम नहीं है। किसान को क्या है कि प्रोडक्शन तो होता है लेकिन सेविंग बहुत कम है उस पर। प्रोडक्शन है लेकिन इनकम, जो नेट इनकम है, नेटवर्थ वो बहुत कम है किसान की। इसलिए तो आप खेतों में कब कब आते हो वैसे? जयपुर रहते हो आप तो, फिर कब कब आना होता है आपका खेतों? रहता हूँ लेकिन फोर्टनाइटली, मंथली, वीकली, जैसा मुझे टाइम मिलता है सुपरविजन के लिए आता रहता हूँ। तो आपको खेतों में आके कैसा लगता है? खेतों में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एंजॉय इट वेरी वेल, क्योंकि खेती किसानी में मेरा, मेरी जो हॉबी है वो बहुत है, क्योंकि मैं किसान का ही बेटा हूँ, इसलिए जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपका जन्म यही हुआ था? मेरा जन्म इसी गांव का है, इसलिए जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गृहेषी, ये ध्यान में रखते हुए खेती का काम करने आता हूँ। वीकली आता हूँ, मंथली आता हूँ, और वैसे मैंने क्या है कि बटाई पे दे रखा है और वैसे करवाता हूँ भी, क्योंकि मैं तो क्या सर्विस में था, रिटायर्ड हूँ, अब मुझे होता भी नहीं था, लेकिन सुपरविजन पूरा रखता हूँ। तो खेतों में आके आपको कैसा महसूस होता है? मैं बहुत बहुत ही फाइन महसूस करता हूँ खेतों में आके, एकदम प्रफुल्लित हो जाता हूँ। ये तो बात है, खेत आपके खेत अच्छे भी है। देखो मैं ऑडियंस को दिखा देता हूँ कितना सुंदर नजारा है। ये आपके चने के खेत आपके ही है? यस यस यस, दीज आर माय फार्म। तो आपने मेहनत लगाई है इसमें तो? यस, अपने आपने मेहनत करी है, अपने पसीने से सींचा है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मैंने मेहनत करी है, करीब 3 आवर्स सेल्फ, ये नहीं मजदूरों से नहीं, मैंने खुद ने मेहनत की है मेरे हाथों से। अभी आपकी उम्र, इतनी उम्र में आप कर लेते हो? यस यस, वो उम्र कोई बीच में नहीं आती इसमें, अगर आदमी एक्टिव रहे तो उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, और नहीं तो 50 साल 40 साल वाले से भी नहीं, और 65 साल वाला भी कर सकता है। अगर आलस हो तो पानी का गिलास भी नहीं ले कोई आदमी, तो आदमी उठ के पानी का। जयपुर में जैसे मैं देखता हूँ कुछ लोगों को बिस्तर पे खाना लेते हैं, और कुछ वो और तो नहीं, डाइनिंग टेबल तक नहीं जाते, वहीं गता दो, वहीं दे दो। ये तो बहुत दिक्कत है, लेकिन अपन लोग क्या है कि अपन जन्म से किसान है ना, तो वो हेरिडिटी, पैतृक जो पेरेंटल जो गुण है वो है अपने अंदर। तो अंदर से किसान बोलता है कि खेतों में जाओ, खेतों में जाना चाहिए किसान को, और जब तक खेती धनी सेती, एक देसी कहावत है। हाँ जी, ये क्या कहावत है बताइए? खेती धनी सेती होती है, क्या होता है इसका हिंदी में मीनिंग, जैसे कुछ समझ नहीं? हिंदी में ये है कि अगर खुद मालिक खेती को, खेती में जाके खड़ा होगा तो ही खेती होगी। हाँ। क्योंकि ये जमीन हमारी माता है, तो इसको मातृ भूमि की तरह, इसको माता की तरह पूजना पड़ता है जमीन को, तब जाके ये देती है प्रोडक्शन, तभी देती है। इसमें कल्टीवेट करवाना पड़ता है, इसको कल्टीवेशन करना पड़ता है, इसको टाइमली इसमें बीज देना पड़ता है, टाइमली खाद देना पड़ता है, टाइमली कल्टीवेशन जोत निकलवानी पड़ती है, इसमें सारा काम टाइमली करवाना पड़ता है, तब जाके खेती देती है। ये नहीं कि बीज पटक दिया और अपने आप हो जाएगा? नहीं, नहीं, अपने आप कुछ नहीं होगा, खरपतवार नहीं निकालोगे तो वो पेड़ को बढ़ने नहीं देगी आगे, इसलिए पेड़ों का भी काम मतलब उसको देखना पड़ता है हर पौधे को। वैसे तो नियम ये कहता है हर दो रोज में आप अपने खेतों में अगर एक राउंड काटते हो तो पता पड़ जाता है ये पेड़ यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, कितने बढ़ गए हैं, कितना बढ़ गया है, क्या कहाँ खाद की जरूरत है, कहाँ बीज की जरूरत है, कहाँ औषधि की जरूरत है, ये सब पता पड़ता है। अच्छा, आपके पीछे ये बैकग्राउंड में ना बहुत सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है। हाँ, ये नीलोज बहुत सुंदर है, आप जरा बताइए ना इस पहाड़ के बारे में। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये स्वयं सिद्ध हनुमान जी है। अच्छा। हाँ, ये प्रतिमा जो हनुमान जी का जो मूर्ति है, ये खुद पहाड़ों से निकली हुई है, किसी की बनाई हुई नहीं है, किसी की प्रतिस्थापित हुई नहीं, स्वयं सिद्ध है अपने आप ही। हाँ, और इसका बड़ी चमत्कारी है, यहाँ बहुत दूर दूर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,
तक के लोग आते हैं और यहाँ के आसपास के 15-20 किलोमीटर से लोग परिक्रमा देते हुए बांदीकुई से कनक दंडवत देते हुए यहाँ आते हैं। ये ट्रेन भी इसी के नीचे से जाती है? ये ट्रेन पहाड़ के बिल्कुल साइड जाती है, बगल में। ये बड़ा सुंदर सा बिसाइड था माउंटेन जाती है, गुजर बिल्कुल बिल्कुल हनुमान जी के मंदिर के पास होती गुजरती है जो। और ये हनुमान जी के मंदिर, ये इसमें सीढ़ियां लगी हुई हैं दर्शकों के लिए, पानी की व्यवस्था है, धर्मशालाएं हैं ऐसी। तो आपसे हमारी मुलाकात अभी समय की मुलाकात इसी मंदिर पे हुई थी बहुत सालों बाद, प्रथम कुछ 2 महीने पूर्व हमारी मुलाकात हुई थी, 13 नवंबर को हम लोग साथ थे अभी समय, और मैं साथ थे अभी समय। बहुत ही इंटेलिजेंट और यूनिवर्सल फेस रीडर है, ओमिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट। हम कितने साल बाद मिले? आफ्टर 25 ईयर्स, लगभग 20-25 साल बाद। 20-25 साल बाद भगवान ने मिलवा दिया ना हमें, ये ईश्वर ने मिलवाया, ये बजरंगबली ने मिलवाया, बजरंगबली ने मिलवाया, हनुमान जी पवन पुत्र ने मिलवाया है। और हनुमान जी का मैं भक्त भी हूँ और हनुमान जी के मेरे आराध्य देव भी हैं, तो इनको मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ इनको। और ये जो मंदिर है, ये जो पहाड़ है, ये इसकी स्टार्टिंग है, और यहाँ से जो हमने गूगल अर्थ से देखा तो ये पहाड़ घड़ी तक, घड़ी तक अलवर तक जा रहे। ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में है और ये पहाड़ करीब 20 किलोमीटर तक आगे गए, बहुत लंबा है ये। हाँ, ये गए हुए हैं यहाँ से, ये अलवर में जाके अलवर तक जा रहा है, ये अलवर तक जाके हमने गूगल अर्थ से देखा, अलवर तक जा रही है इसकी चोटी में मिलते हैं, और शुरुआत यहाँ से है लेकिन इसकी। हाँ यस, शुरुआत आपके मुख चेहरा फेस मुख यहीं पर ही है। यस यस, ये मुख ही है, मुख है, ये मुख है, ये मुख है, बिल्कुल ये मुख है, और ये बजरंगबली जो है मुख पे विराजमान है, ये है ना बात। हाँ बिल्कुल, और सबसे लास्ट में जाके वो पूंछ जैसे कम हो जाता है। योर सर्च इज क्वाइट राइट, योर इन्वेस्टिगेशन इज क्वाइट, बिल्कुल। आप हमें अपने और भी खेत दिखाइए आगे क्या क्या है, आइए आप चलिए। ये अपने सारे खेत हैं, ये सारे इधर उधर, और इनमें सुंदर है बहुत, काफी काफी सुंदर है, और ताजी हवा भी है, हवा बिल्कुल फ्रेश हवा है, बिल्कुल है ना, यहाँ कोई बीमारी नहीं होती है, और पिन ड्रॉप साइलेंट भी है, मेडिसिनल प्लांट भी है कई। अच्छा, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट है यहाँ बहुत सारे, और पिन ड्रॉप साइलेंट भी है, पिन ड्रॉप साइलेंट रहेगा, ध्वनि प्रदूषण का तो नाम ही नहीं है, बिल्कुल। चिड़ियों की आवाज, पंछियों की आवाज, बड़ी वॉइस पॉल्यूशन कुछ नहीं है यहाँ, लो। और ये जो गोबर वगैरह है, ये अपने गायों का गोबर है, गायें पालते हैं दूध के लिए, लोगों को गायें रखनी पड़ती है दूध वगैरह के लिए, तो गायों का काम है ऐसे, मतलब क्या है कि ये सारा मतलब खेती किसानी का काम लोग करते हैं, तो उनको खाने पीने के लिए भी तो चाहिए, बिल्कुल दूध चाहिए गाय का, बिल्कुल बिल्कुल। गाय दूध कहाँ लेने जाएंगे? देखिए दोस्तों, सब्जियां हैं, ये बुकले हैं गाय के, थाने बोलते हैं इनको, देश कंडे भी बोलते हैं राजस्थान, कंडे भी बोलते हैं, थाने भी बोलते हैं, वो है। तो इस बार चने की फसल ठीक है? इस बार चने की फसल है ठीक है, बाजरे की फसल कमजोर थी, ये फसल थोड़ा उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी। हाँ, इसमें पानी भी कम चाहिए होता था तो इस बार ठीक हो जाएगा, चने को पानी भी कम चाहिए, और आपके भगवान कृपा से थोड़ी मावठ भी हुई है, मावठ। हाँ जी हाँ जी, बरसात जो सर्दियों में जो बरसता है उसको मावठ बोलते हैं, तो ये मावठ भी है, इससे थोड़ी ठंड भी पड़ गई है वैसे ना। हाँ, और सर्दी का लुत्फ भी आ रहा है थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, सर्दी इस समय हो जाती है, मौसम सर्दी का। हाँ जी, सर्दी अच्छी है, सर्दी अच्छी है, धूप भी खिल जाती है यहाँ पे, और पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, पॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी बात है, सब हरा भरा में, ये स्वच्छ हवा आती है, ये तो ऑक्सीजन देती है। जो ये पहाड़ है ये हनुमान जी का, या और ये जो दूसरा गुल्लाना का आपके पीछे है ये काल भैरव का पहाड़ है, ये और ये दो भुजाओं में है, अगर आपने देखा हो ये पिरामिड की तरह, काल भैरव वाला सबड़ावली का पहाड़ है, गुल्लाना का नहीं, हाँ। सबड़ावली, अच्छा, जो काले काले पहाड़ है उसमें, हाँ, जो काले पत्थर, हाँ वो सबड़ावली है, वो है सबड़ावली काल भैरव, और वहाँ पे बहुत डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत अलग है, अलग है पॉजिटिव एनर्जी, अलग महसूस होता है वहाँ जाके, पॉजिटिव है। और ये गुलाना वाला ऐसे ऐसे इसकी दो विंग है, एक विंग ऐसे चले जाती है, एक ऐसे चले जाती है, ये क्या है, यो जाके फिर वो आता है, फिर बसुआ के इर्द गिर्द पापड़ा की देवाड़ा वेवाड़ा और ये पाड़ला वाड़ला ये जाके फिर जयपुरा गुलाना वैसे जाता है, वहाँ जाए चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हो आप, घिरा हुआ है पहाड़ों, और टैला तालाब और वहाँ पे जो वो आगे चला और आगे चले गए जिले में, वहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है।
ये तारा है, तारा मीरा। तो ये सरसों सरसों है, ये अलग सरसों के जैसे दिख रहे पर सरसों नहीं है ये, लेकिन सरसों नहीं है। अच्छा दिख रहा है बट नॉट सरसों नहीं है। तो इनका क्या नाम है? ये तारा मीरा है, तारा मीरा, तारा मीरा। अच्छा ये भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। अच्छा बथुआ है, इसी का वो बनता है रायता। और खेजड़ी के भी खूब सारे पेड़ है यहाँ। तो समीम जो वृक्ष होता है ये वही खेजड़ी को बोलते हैं, समीम वृक्ष। आप कई बार समी वृक्ष शास्त्रों में इसका नाम समी है। पापड़ का पेड़ है। कौन सा वाला? ये सामने वाला। अच्छा हाँ, वो नीम है और ये पापड़ है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आपका सेहत बढ़िया है, आप आराम से खेतों में एंजॉय कर पा रहे हैं। एंजॉय और थोड़ा हल्का फुल्का काम भी कर लेता हूँ, जरूरी है ना, बॉडी चलती रहती है। ज्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का कर भी लेता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कराई है मैंने सुबह से, 2 घंटे मतलब बॉडी फिजिकल वर्क किया है। बहुत बढ़िया। तो आपसे मिलकर हमें बहुत मजा आ गया आज आपके खेतों को हमने देखा। कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ खेतों में आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और अच्छी बात है कि यहाँ पे ना कुछ ये पूरे खेत एक जैसे ही हैं पूरे। सब चने के खेत एक जैसा कर रखा ना, तो ये बढ़िया है। सब भाई बंधुओं ने अपने आपसी सहमति से एक कर रखा है। और खेतों में थोड़ी वो भी नहीं करी ना, ये मेरा खेत है तुम नहीं आओगे, वैसा नहीं है, पूरा एक है, ये बढ़िया है। ठीक है जी, फिर हम दोबारा मिलेंगे कभी और नए वीडियो में। बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। ठीक है, राम राम, खम्मा गणेश, खम्मा गणेश। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को संदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुनके रहट की आवाजें, सुनके रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। ओ, इस धरती पे जिसने जन्म लिया